अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों अगर नमाजी का दौरान नमाज नमाज पढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन बजने लगे, किसी का फ़ोन आने लगे और फ़ोन की टोन भी खुली हुई हो, तो फिर ऐसे वक्त में नमाजी को क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे समाज और माशरे और नमाजियों में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो हैं कि अगर फ़ोन आने लगा और फ़ोन मोबाइल बज भी रहा है तो उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने नमाज शुरू की हुई है, वो अपनी नमाज में मगन हैं। और यहाँ म्यूज़िक वाली टोन या म्यूज़िक वाली ना भी हो, बग़ैर म्यूज़िक वाली भी बुलंद आवाज़ से बजती चली जा रही है, जिसकी वजह से दूसरे नमाजी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे नमाजियों की नमाज में खलल वाक़े होता है। और कुछ लोगों की सोच ये है कि अगर दौरान नमाज मोबाइल बजने लगे, फ़ोन आने लगे, तो वो ऐसा करते हैं कि आराम से सुकून से दोनों हाथ से जेब में से मोबाइल निकालेंगे, निकालने के बाद सुकून से लोग खोल करके देखेंगे किसकी कॉल आ रही है, और देखने के बाद फिर उसको काट देंगे, और या काटने के बाद फिर मोबाइल बंद करेंगे, और मोबाइल बंद करने के बाद फिर सुकून और इत्मीनान से दोनों हाथ से मोबाइल को जेब में रखेंगे और उसके बाद वहीं से आगे को नमाज शुरू कर देंगे। बल्कि बहुत सारे लोग तो लोगों को ये भी करते हुए देखा गया है कि वो नमाज में ही फ़ोन उठा लेंगे और बताएंगे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और फ़ोन फिर जेब में रख के नमाज आगे शुरू कर देंगे। ये दो तरीके के लोग पाए जाते हैं इस मामले में, इस मसले में, हमारे समाज में, हमारे नमाजियों में। सही बात क्या है, हमें क्या करना चाहिए? अगर फ़ोन बजने लगे, किसी के साथ भी ये मामला पेश आ सकता है, इत्तेफाक से भी रह जाता है मोबाइल बंद करने से, और बहुत सारे लोगों का मिजाज भी होता है वो बंद करते ही नहीं हैं। तो सही तरीक़ा ये है कि अगर दौरान नमाज मोबाइल बजने लगे, अव्वलन तो कोशिश करें कि मोबाइल या तो नमाज के लिए लेके ही ना जाएं मस्जिद में, या अगर मोबाइल साथ में भी है तो पहले उसको या तो वाइब्रेशन पर लगाएं या उसको स्विच ऑफ करें। इसके बावजूद अगर कभी रह जाए और दौरान नमाज बजने लगे, तो उसका तरीक़ा ये है कि नमाजी को जिसका फ़ोन बज रहा है उसको अपने एक हाथ के ज़रिए से उस मोबाइल को जेब में रखे हुए ही उस फ़ोन कॉल को या तो काट दे या साइलेंट कर दे, बटन दबा दे, जिसकी वजह से उसकी रिंगटोन की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ये सबसे आला और अफजल तरीक़ा ये है। और अगर एक हाथ से बात नहीं बन रही है या इसी तरीके पर नहीं कट रहा है, अनाड़ी है मोबाइल वाला, या इसी तरीके पर कोई बार बार फ़ोन करे जा रहा है जिससे वो खुद भी परेशान हो गया है, तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि जिसका फ़ोन बज रहा है वो नमाज तोड़ दे, और नमाज तोड़ने के बाद सुकून से अपने मोबाइल को बंद करे, स्विच ऑफ करे, और स्विच ऑफ करके नमाज दोबारा वहाँ से शुरू करे जहाँ से उसने दोबारा से नमाज पढ़े, और जो रकातें उसकी रह गई हैं वो रह गई हैं, उसकी नमाज अब यहाँ से आगे को शुरू होगी। बहुत सारे लोग नमाज के अंदर मोबाइल बंद करने के लिए इतनी एक्टिविटी कर लेते हैं कि मोबाइल निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, और फिर दोनों हाथों से जेब में रख रहे हैं। याद रखें ये अमले कसीर है, नमाज के अंदर अमले कलील की यानी छोटी मोटी हरकत की, एक्टिविटी की तो इजाज़त है, किसी बड़ी हरकत और बड़ी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं। और निकालना, देखना, काटना, बंद करना, फिर रखना, ये बड़ी एक्टिविटी है जिसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाती है। और जेब के अंदर अंदर बटन दबा कर के एक हाथ से बंद कर देना, ये छोटी एक्टिविटी है और इसकी वजह से नमाज ख़राब नहीं होगी। अगर किसी का नहीं बंद हो रहा है या किसी से बंद करना नहीं आता है, तो इससे बेहतर ये कि वो बार बार उसमें नमाज के दौरान खलल का शिकार रहे, सुकून से बंद करके दोबारा नमाज पढ़े। ये बिल्कुल वजाहत के साथ मैंने आपकी खिदमत में मसला पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।